वो वीडियो स्टार्ट हो गई। ओके सो व्हाट्सएप एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कैसे पिछली कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी वैसे, और उसके अंदर कुछ लोगों का डाउट्स वगैरह थे कि किस तरीके से रियलिस्टिफाइड कर सकते हैं हम किसी भी स्केच को, और थोड़ा सा उनमें उसके अंदर परेशानी ये आ रही थी कि मैंने ना लेयर्स को एडजस्ट करके नहीं देख रखा हुआ था। मैं जैसे एग्जांपल कैसे मैं कर रहा हूँ उसको समझा रहा था, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट में हमेशा की तरह स्केच से ही करना चाहूँगा, और स्केच को मैंने इंसर्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हमेशा साइज़ का ध्यान रखना है। अगर आप रैंडमली गूगल से ही डाउनलोड करते हो इमेजेस वगैरह, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि साइज़ बहुत ज़्यादा कम आता है। और यहाँ पे मैं विड्थ को 2000 रखता हूँ, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा, तो कंट्रोल जीरो हम कर सकते हैं फिट टू स्क्रीन के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगी पूरी की पूरी, आपको जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं, अपने आप सेट हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा पेन टूल के थ्रू ट्रेसिंग। ट्रेसिंग हम किसी चीज़ की करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की आप कर सकते हो, नोज की कर सकते हो, बॉडी की कर सकते हो। इस वक्त मैं अभी यूज़ करता हूँ यहाँ पे इसकी कैप को मेनली फोकस करता हूँ, और यहाँ पे उसको ट्रेस करता हूँ, क्योंकि कैप ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी दूसरी चीज़ के नीचे हाइड नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से विजिबल है। इसको ट्रेस कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कलर फिल कर देंगे। इस तरीके से मैंने ट्रेस कर लिया, और ट्रेस करने के बाद कंट्रोल एंटर में प्रेस करूँगा, और यहाँ पे इसके थ्रू मैं सिलेक्शन बना लूँगा। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रास्टराइज कर लेंगे। रास्टराइज करते ही आपके पास कोई भी एक कलर आ सकता है, मैटर नहीं करता है। हम इसके ऊपर, इस कलर का हमें ज़्यादा काम नहीं है, बस इसके ऊपर हम टेक्सचर रखवाने वाले हैं। टेक्सचर कैसे रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले एक टेक्सचर निकाल लेता हूँ। इस तरीके से ब्लैक कलर का टेक्सचर है मेरे पास, और यहाँ पर मैं इसको निकालने के बाद इसको रिसाइज करता हूँ, जो कि कवर करना चाहिए यहाँ पे पूरे पूरे कैप की शेप को। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं विड्थ भी इसका इंक्रीज़ करना चाहूँगा। इंक्रीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिप करवा देंगे इस चीज़ को शेप के ऊपर, ताकि ये शेप के ऊपर ही दिखे। उसके लिए क्या करना होता है, ऑल्ट दबा के बीच में क्लिप करना होता है इस तरीके से। बेसिकली अब मैं यहाँ पे हर एक लेयर को नाम भी दे देने वाला हूँ, ताकि आपको देखते हुए यह समझ भी आए कि कौन सी लेयर कहाँ पे है। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ सिंपल कैप्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पे क्या है कि मैं एक बेल्ट की शेप ले लेता हूँ, और इस बेल्ट की शेप को ऊपर ले जाता हूँ। वेट अ सेकेंड, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा आउटपुट बनने कैसे वाला है, और क्या क्या मैं इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास ये जो स्केच है, इसका हम सैम्पल लेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिल रहा है। अब उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरत पड़ेगी एक बैकग्राउंड इमेज की, और उसके बाद एक ब्लैक कलर के टेक्सचर की, जो कि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कैप को बनाने के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट बेसिकली एक इमेज है पूरी की पूरी। यहाँ पे गोल्डन बेल्ट मैंने सर्च किया था गूगल पे, और नॉर्मली मेरे को ये मिल गया। उसके बाद एक गोल्डन स्टिक, और उसके बाद यहाँ पे मैं दो अलग अलग तरीके के टेक्सचर का यूज़ करने वाला हूँ इस पूरी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पे बेल्ट की इमेज है, और यहाँ पे मैं ये करता हूँ जल्दी से ट्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर देता हूँ। ट्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ जहाँ पे मेरे को ये बेल्ट चाहिए, और टिक पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे शेडोज़ वगैरह का, हाइलाइट्स का, वो सब चीज़ें हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, और एक दूसरे के साथ मैच कर रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा भी एक मिस्टेक दिखेगा अगर, तो वो लास्ट में आउटपुट के अंदर हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से मैं सभी चीज़ें यहाँ पे ट्रेस कर रहा हूँ बार बार, और उसके ऊपर टेक्सचर यहाँ पे क्लिप करवा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, और यहाँ पे समझिए कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे शेप्स को लगाया। अगर मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझाऊंगा तो थोड़ा सा बोरिंग रहेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं हर एक शेप के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं शेयर करना चाहूँगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी शेप मैच नहीं करती है, तो उसके लिए हमें रैप यहाँ यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, और इसके बाद क्या है कि इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कूल एक ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। आप इसके अंदर जितना इसके थ्रू प्ले करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे आप किसी भी शेप को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप एक लिमिट तक ही कस्टमाइज़ कर पाओगे, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, कई बार यहाँ पे हेल्पफुल रहता है। तो
रुको 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 रुको, अब यहाँ पे वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल भी है, तो इस चीज़ को ज़रूर से यहाँ पे समझना और ट्राई करना इसको खुद से भी। सो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हमारी हैक की लेयर थी, इसके ऊपर हमने टेक्सचर ऐड किया था और इस टेक्सचर के ऊपर हम हाइलाइट्स ऐड करेंगे। हाइलाइट्स का मतलब होता है यहाँ पे आसपास की जो लाइट्स पड़ती है यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेवल्स का यूज़ करेंगे और लेवल्स को हम यहाँ पे ब्लैक वाले पॉइंट को आगे मूव कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका वो वाला सेक्शन ब्राइट हो जाएगा, और यहाँ पे ब्राइट करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल आई होता है इनवर्ट्स के लिए, और यहाँ पे मास्क एक आपका बन चुका है ऑलरेडी, मास्क के साथ आता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे वाइट कलर से ब्रश करेंगे। यहाँ पे मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से सॉफ्ट ब्रश लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके सॉफ्टनेस इंक्रीज कर देता हूँ, फ्लो थोड़ा कम कर देता हूँ, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे ब्रश को यूज़ करूँगा तो वो लेयर यहाँ पे जो ब्राइट वाली लेयर थी वो यहाँ पे आपकी उभर के आएगी। तो यहाँ पे क्या कि सिंपल मैं जहाँ जहाँ मेरे को लाइट चाहिए मैं वहीं पे ब्रश के थ्रू पेंट करूँगा। यहाँ पे देखो एक टेक्निकल भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जो कि 3D बनाएगी इस शेप को, और यहाँ पे क्या कि सिंपल पहले मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया और उसके बाद इरेज कर दिया इस तरीके से, जैसे मानो यहाँ पे क्या है कि एक शेप है, और यहाँ पे मैं जितनी ज़्यादा हार्ड ब्रश का यूज़ करूँगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सिंपल क्या होगी एक शार्प एज बनेगी, जिससे क्या लग रहा है कि यहाँ पे अब जो एज है वो एकदम ज़्यादा शार्प है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल शेप्स को उभारने के लिए, ठीक है। और एक सच ये भी है कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी, आप इस तरीके से वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लेकिन उसके स्किल्स को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल्स मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आप मैंने इसको भी क्लिप कर दिया ताकि ये भी इस हेड के ऊपर ही काम करे सिर्फ, और यहाँ पर मैं हल्का सा यहाँ पर हाईलाइट्स को ऐड करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर क्या कि सिंपल ये सब चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ पर हेड का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ब्राइटर एरिया का काम हो चुका है, लेकिन कर एरिया का काम नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम एक और लेवल की लेयर को ऐड करेंगे, और इस बार हम वाइट वाले पॉइंट को हटाएंगे, और इसको मैं पहले से ही क्लिप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कि सिंपल ये डार्क एरियाज के लिए है, कंट्रोल आई किया और उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर के ब्रश के थ्रू वहाँ वहाँ ब्रश के थ्रू पेंट करता हूँ जहाँ जहाँ मेरे को शेडोज चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या कि सिंपल यहाँ पर अब ये चीज़ एकदम 3D लुक दे रही है, धीरे धीरे यहाँ पे एक 3D लुक आ रहा है हमारी इमेज को, पूरी इमेज को नहीं आया बस हेड को। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लेयर को ऐड करता हूँ, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि बैकग्राउंड एक वाटरमार्क के साथ है, वाटरमार्क को कैसे हटाते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लाइन में हो तो आपने पहले भी अपने स्कूल वगैरह में सीखा होगा कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर हम ले सकते हैं लासो टूल ये यहाँ पर, और हर एक शेप को मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ इस तरीके से, और शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि सिंपल जहाँ जहाँ वाटर मार्क में बेसिकली उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंटेंट अवेयर फिल का, जो कि क्या करेगा वाटर मार्क को हटाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये ऑप्शन। और डायरेक्टली मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे को पता है कि ये अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद क्या है कि सिंपल आपके बैकग्राउंड में से हर एक वाटर मार्क को ये ऑटोमेटिकली हटा देगा। अब दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारे लाइट की कंडीशन क्या है, अब ये लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है, तो मेरे को यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट्स को डिलीट करना पड़ा, और यहाँ पे मेरे को लाइट्स के रिगार्डिंग अगेन दोबारा काम करना पड़ा, जो अब ऊपर की साइड से लाइट्स आ रही है मेरे को यहाँ पे वहाँ वहाँ ही हाईलाइट करना पड़ रहा है इस तरीके से। मैं शेडोज़ भी ऐड करता हूँ, अब वीडियो के अंदर वही सेम चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करना, और यहाँ पे मैं मिलता हूँ आपको ये सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद, जब तक आप एंजॉय करो इस फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को।
वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म कर लिया था अपना काम, लेकिन मेरे को लगा कि थोड़ा सा और ड्रामा होना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, थोड़ा सा और डेंजर लगना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने लाइट कलर का रेड कलर की लाइट्स को ऐड करा है सिंपल, और यहाँ पे मैं उसके भी हाईलाइट्स ऐड कर दे रहा हूँ और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए, एक और ज़्यादा डेंजरस काइंड ऑफ लुक देने के लिए। और यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको वो देखनी है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो, उसके बारे में समझ सकते हो। सो इन दी एंड यहाँ पे सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमें ये ऐसा एक आउटपुट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल यहाँ पे इंप्रेसिव लुक दे रहा है और यहाँ पे डेंजरस काइंड ऑफ फील भी दे रहा है हमें यहाँ पे पिक्चर के अंदर। तो होप तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।